लोग देश की धड़कन होते हैं, विदेश में बैठे वाले लोगों की धड़धड़ धक धक और कांग्रेस के दिलों में धक 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 करने वाले भाई नरेंद्र मोदी जी को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की। मंच पर विराजमान श्री नारा चंद्रबाबू नायडू जी, श्री जी किशन रेड्डी जी, मेरे मित्र भाई पवन कल्याण जी, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, लोकसभा में यहां के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री इंद्रसेन रेड्डी जी, डॉक्टर भगवंत राव जी, श्री नरेंद्रनाथ जी, श्री मल्ला रेड्डी जी, श्री वीरेंद्र गौड़ जी, श्री चिन्नप्पा रेड्डी जी, मंच पर विराजमान तेलुगु देशम पार्टी के श्री आर कृष्णप्पा जी, श्री दयाकर राव जी, श्री रमणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रकाश जावड़ेकर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, चुनाव तो आते हैं जाते हैं, बहुत चुनाव आए, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये पहला चुनाव ऐसा है जो उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान, 125 करोड़ देशवासी अपने अरमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। जब चुनाव घोषित हुए तब मैंने कहा था ये आंधी है आंधी, लेकिन जैसे जैसे मतदान निकट आ रहा है मैं कहता हूं ये आंधी नहीं, ये सुनामी चल रही है, सुनामी। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल, उनके बचने की कोई संभावना नहीं है भाइयों। जो देश के पॉलिटिकल पंडित इन दिनों एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके हिसाब किताब लगा रहे हैं कि किसका 1% स्विंग कहां हुआ है, दूसरे का 2% स्विंग कहां हुआ है, किसका स्विंग ऊपर जा रहा है, किसका स्विंग नीचे जा रहा है, ये पॉलिटिकल पंडित, मेरी उनसे प्रार्थना है ये आपके सारे हिसाब किताब बेकार जाने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए ये चुनाव अंकगणित है, एरिथमेटिक है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये उनके मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। ये चुनाव एरिथमेटिक का नहीं है, ये चुनाव केमिस्ट्री का है। पवन कल्याण, मोदी और बाबू, तीन बैठे हैं तो आपको लगेगा 1+1+3 हुए, वो एरिथमेटिक है, लेकिन ये केमिस्ट्री है, ये 111 होती है।
ये वन प्लस वन प्लस वन थ्री नहीं है, ये तीन खड़े हैं 111 हो जाता है। और इसलिए सारे पॉलिटिकल पंडित ये जो हिसाब किताब लगा रहे हैं, वो हिसाब किताब सही निकलने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं, हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने की कोशिश की है, देश के कोटि कोटि जनों के दर्शन किए हैं, उनके आशीर्वाद लिए हैं, और आज हैदराबाद की धरती पर आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। चाहे तेलंगाना हो, चाहे सीमांध्र हो, दुनिया में बसने वाला हर तेलुगु भाषी को मैं आज एक प्रार्थना करने के लिए आया हूं। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला मेरा तेलुगु भाषी कोई भी भाई होगा, कोई भी बहन होगी, मैं उसे प्रार्थना करने आया हूं। आप राजनीति पर सोचने से पहले चुनाव में मतदान करने से पहले एक पल भर के लिए सोच लीजिए, ये मैडम सोनिया जी का परिवार, ये मां बेटे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उसके पहले के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी को देख लीजिए, राजीव जी को देख लीजिए, ये मां बेटे की सरकार देख लीजिए। मेरे तेलुगु भाषी भाइयों बहनों, जरा इतिहास पर नजर कीजिए, कोई मुझे कहे यहां के एक मुख्यमंत्री अंजय्या जी का क्या गुनाह था, क्या गुनाह था उनका, किस गांधी परिवार के बेटे राजीव गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सिर्फ महामंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और हैदराबाद के एयरपोर्ट पर आंध्र के मुख्यमंत्री आंध्र की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, ये हिम्मत थी राजीव गांधी की, जो कुछ नहीं थे, एक पार्टी के महासचिव थे, अंजय्या जी को अपमानित किया था, उनके आंख में से आंसू सूखते नहीं थे, और कुछ दिनों के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। राजीव गांधी ने एक गुनाह किया था, एक, और कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश खो दिया, 20 साल तक खो दिया। भाइयों बहनों, क्या कारण है इस परिवार को आंध्र के साथ, चाहे तेलंगाना हो या सीमांध्र हो, मैं पूछना चाहता हूं संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति के नाते उनको पसंद किसने किया था, कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे, देश में राष्ट्रपति पद की गरिमा, उम्मीदवार भी एक बहुत बड़ा सम्माननीय बात होती है, और कांग्रेस पार्टी ने संजीव रेड्डी को श्रीमती इंदिरा गांधी ने नामांकन किया था। क्या हुआ, तेलुगु भाषी संजीव रेड्डी का क्या गुनाह था, इंदिरा गांधी ने उनकी पीठ में छरा मौका
उनके अधिकृत उम्मीदवार को पराजित किया और वीवी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया था। मेरे हाथ से तेलुगुवासी भाइयों बहनों, आप याद कीजिए क्या कारण है यह अपमान आप झेल रहे हैं। मेरे गले नहीं उतरता है भाइयों। मैं तीसरी बात बताता हूं, नरसिम्हा राव देश के सफल प्रधानमंत्रियों में उनका नाम इतिहास को लिखना पड़ेगा। वे कांग्रेस में थे लेकिन ये परिवार उनको पहचान नहीं पाया। मैं हैरान हूं भाई बहनों, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव देश में राजीव गांधी के नाम पर हजारों योजनाएं हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर हजारों योजनाएं हैं। नरसिम्हा राव भी तो उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से एक योजना कोई रख नहीं सकता, और कोई रखता है तो कांग्रेस में उसकी छुट्टी हो जाती है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जब नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि आती है, जन्म जयंती आती है, ये गांधी परिवार का कोई उन्हें फूल चढ़ाने के लिए भी जाता नहीं है। क्या कारण है कि तेलुगु भाषी लोगों के साथ, आंध्र के लोगों के साथ इस परिवार का क्या दुश्मनी है, मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। भाइयों बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो मेरे हैदराबाद के भाइयों, एक पल के लिए सोचिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो हैदराबाद जाने के लिए वीजा लेना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। हैदराबाद हिंदुस्तान में न होता। ये सरदार पटेल में दम था कि आज हम हैदराबाद की धरती पर बैठ करके भारत मां के गुणगान कर सकते हैं। उस सरदार पटेल के प्रति भी नेहरू परिवार का रवैया क्या रहा, उनको अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, तेलंगाना बन गया, सीमांध्र ने अपनी जगह बना ली, अब इस लकीर को कोई मिटा नहीं सकता है। तेलंगाना हिंदुस्तान का एक राज्य बन चुका है, लेकिन भाइयों बहनों, नक्शे पर लकीर दोन करके तेलंगाना बनाने वालों ने, सीमांध्र बनाने वालों ने एक पल भी सोचा है इन दो राज्यों का भविष्य क्या होगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनकी व्यवस्थाएं क्या होगी, उनको कौन संभालेगा। भाइयों बहनों, जिस दिन तेलंगाना बना, मैंने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया था, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तेलंगाना बनाने के लिए लड़ाई लड़े हैं, हम भाजपा के लोग ने लाठियां खाई है, हम भाजपा के लोग जेल में गए हैं, हमारे कई साथियों शहीद हुए हैं। हमारा तेलंगाना के प्रति कमिटमेंट था, लेकिन भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में खेल खेला गया, जिस प्रकार से तेलुगु भावनाओं को ठोकरें मारी गई, ये तरीके से हम सहमत नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उस दिन मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कैसे डॉक्टर है जिसने बेटे को तो जन्म दिया लेकिन मां को मौत के घाट उतार दिया। भाइयों बहनों, तेलंगाना तो बना लेकिन तेलुगु स्पिरिट, इसको गहरा गांव
कांग्रेस पार्टी ने लगाया है।